subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. चाइना ड्रीम, ये चाइना का एक ऐसा प्रोजेक्ट है और था जिसका मकसद ये था कि दुनिया में चाइना की इकोनॉमिक बढ़तरी भी बनाई जाए और उसके साथ साथ स्नीकी तरीके से मिलिटेरिली एक सुपर पावर भी बना जाए और दुनिया में अपना एक हेजमनी का जो सिलसिला है वो जारी किया जाए। इस सिलसिला में एक चाइनीज़ राइटर मा जैन ने एक बहुत बढ़िया किताब भी लिखी चाइना ड्रीम के नाम से। मा जैन इंग्लैंड में रहते हैं और हज़ारों डिजिडेंट्स चाइनीज़ राइटर्स की तरह एक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए और दुनिया को समझाने के लिए। अब कोरोना पेंडेमिक के सिलसिला में बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है कि कहीं ये पेंडेमिक जो है ये कोई बायो वेपन तो नहीं, दुनिया अभी तक इस बात को साबित नहीं कर सकी, मगर इतना ज़रूर वो दुनिया कह रही है कि ये जो वायरस है ये लेबॉर्ट्री में, अगर मैन मेड नहीं है तो वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ और फिर चाइना ने दुनिया को इस वायरस के बारे में कुछ नहीं बताया। वो हैशटैग चलते हैं कि चाइना लाइड पीपल डाइट, वो सब अपनी जगह पे सूरत हाल है, मगर अमेरिका पहली बार इतने गुस्से में है चाइना के साथ। बहुत सारी बातें हैं, मैं ये सारी बातें इंट्रोडक्शन से आगे जाकर करूँगा। आज हम ब्रेन बर्स में इन्हीं बातों का एक तरह से एनालिसिस कर रहे हैं और ब्रेन बर्स के रूह रवा डॉक्टर रणवीर शारदा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और वेलकम। थैंक यू वेरी मच जी, सारे दर्शकों का करते हैं प्यार से स्वागत। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इस वक्त पॉइंट है, दुनिया में इस वक्त बहस चल रही है वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और चाइना में भी, और जो वार इस वक्त वर्ड्स की चल रही है बिटवीन ट्रम्प एंड चाइना, क्योंकि जी तो नहीं बोले लेकिन ट्रम्प जो है वो बार बार ये कह रहे हैं पिछले एक महीने से कि इट इज चाइना रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, क्योंकि चाइना में जब ये बीमारी आई थी तो चाइना ने उस वक्त सबसे छिपा के रखा ये बीमारी जो है ये क्या है। अब कुछ लोगों का कहना है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहां पर बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूट है और वहां पर कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करते करते जी, जिसमें आपको ये मैं बता दूं कि $400 मिलियन USA का भी लगा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वुहान जो लैब है कहीं उससे तो नहीं ये निकल के आया। अब मैं कहता हूं जी पेंडेमिक कहीं से भी निकल के आया हो वो तो एक बात की बात है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे चाइना की जो थिंकिंग है उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। चाइना की थिंकिंग जो है, अगर वो चाइना चाहता कि ये वर्ल्ड जो है इससे बच जाए तो चाइना को नवंबर में जरूर बता देना चाहिए था जो उन्होंने जनवरी में जाके बताया, मतलब 1.5 महीना लेट उन्होंने वर्ल्ड को बताया। अब 1.5 महीने में कितने चाइनीज वर्ल्ड में चले गए, ट्रेवल कर गए जी, यूरोप में सबसे ज्यादा उनकी ट्रेवलिंग हुई और वहां पर जाके जो उन्होंने तहलका मचाया वो आज हमारे सामने है। मौतें जो है वो 1 लाख से ऊपर यूरोप में हो चुकी हुई है, तो वो तो चलिए एक इंसान बीमारी आई उसमें चली गई, लेकिन सवाल ये पैदा होता कि चाइना का जो एक्शन है जी ये दुनिया में क्या रिजल्ट सामने पेश कर रहा है। इस वक्त अमेरिका जो है वो अकेला, इस वक्त जो हमारे मिस्टर ट्रंप है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ऑल्दो आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मिस्टर जी बट आई डोंट वांट टू स्पीक टू हिम एंड चाइना इज रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ इंक्वायरी अबाउट इट, और बार बार वो ये कहते हैं कि चाइना का जो मतलब रोल इसमें रहा है वो बहुत खतरनाक रहा है। आगे चल के जहां का ट्रंप साहब की बात करेंगे वहीं पर माइक पोम्पियो जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने एक आइडिया जो रेज किया जो मैंने पहले अभी कहा कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पॉसिबल है कि ये वहां से आया, हालांकि दिस थ्योरी लैक्ड एविडेंस। लेकिन उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जी, कुछ ऐसे हैं अमेरिकन ऑफिसर्स जिनके
जिनको मैंड्रिन लैंग्वेज जो है वो आती है, वही एक मिस्टर है मैट पोटिंगर, वो डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। उन्होंने डायरेक्ट अपील की टू द पीपल ऑफ चाइना इन मैंड्रिन टू एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक चेंज। दैट मींस कि ये विदाउट द नॉलेज ऑफ ट्रंप तो ऐसी वो स्पीच डिलीवर कर नहीं सकते। ये शो करता है कि उन्होंने चाइना के लोगों को ये कहा कि आप अपने रजीम के अगेंस्ट उठो और डेमोक्रेटिक चेंज लेके आओ। अब ये इतनी चीजें जो हैं पिछले एक महीने में हो गई हैं ताहिर साहब, कि आगे चल के बात करेंगे साउथ चाइना सी की, भाई साउथ चाइना सी में इस वक्त क्या हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो बयानबाजी शुरू हुई है जी पोम्पियो साहब की और अब मैंने मैट पोटिंगर की, ये जो ये इस इसका ये देखिए विदाउट दी, एक बात तो मानेंगे ना कि विदाउट दी परमिशन ऑफ और विदाउट दी नॉलेज ऑफ ट्रंप साहब तो ये बातें नहीं हो सकती ना। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसमें ट्रंप साहब की परमिशन और नॉलेज की बात जो है वो तो बहुत छोटी है। ये पेंटागन और अमेरिकन डीप स्टेट और अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बगैर इस तरह की बड़ी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि वो मैटर करते हैं जिन्होंने स्ट्रेटजी बनानी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हमने बातें की और जो आपने भी छेड़ी, देखिए रफली बताया जाता है कि नवंबर में ये वायरस जो है वो वुहान में सामने आया, मगर अमेरिका में, यूरोप में करीब 1.5 लाख के करीब डेथ्स हो चुकी हैं, बल्कि अब उससे ज़्यादा नंबर बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 80,000 के ऊपर जा चुकी हैं, तो 88,000 जी बिल्कुल ठीक। तो अब इस सारी सिचुएशन में मैं ये समझता हूँ कि जो इसका चाइना का रोल है वो एक सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने लेट बताया, बल्कि जनवरी में ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इस वक्त वो एक माउथ ऑर्गन बने हुए हैं इनका, चाइना की गवर्नमेंट का, कम्युनिस्ट पार्टी का, तो उसने एक ट्वीट में वाज़े तौर पर कहा कि ये इस वायरस से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये जनवरी की बात है डॉक्टर साहब। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा वो तो शेमफुल है। अच्छा अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल भी कहा है कि हम WHO के बारे में एक अब सख्त पॉलिसी ला रहे हैं, वो उनका कहना ठीक है, लेकिन चाइना का ऑन द अदर हैंड ये कहना है, या सदर ट्रंप के मुखालफीन का, डेमोक्रेट्स का ये कहना है कि ओ नहीं, चाइना तो बड़ा इनोसेंट है, उसका तो कोई मसला नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई मसला नहीं है। ये असल में सदर ट्रंप की अपनी नलायकी और नाअहली है। देखिए नलायकी और नाअहली की अगर बात हो तो चीन के इलाके वुहान से निकला हुआ वायरस बीजिंग तक तो ना पहुंचा, शंघाई तक तो ना पहुंचा, बहुत कम इफेक्ट किया। वो सारे का सारा यूरोप क्यों आ गया? इसलिए कि चीन की दुनिया सैर बहुत कर रही थी। मैं ये नहीं कहता कि चीनी वायरस लेकर गए हैं, जो इटालियन गए हुए थे, जो यूरोपियन घूम फिर रहे थे, जो अमेरिकन घूम फिर रहे थे, हमारे कैनेडियन हज़ारों वहाँ पे घूम फिर रहे थे, अभी भी सैकड़ों स्टैंडर्ड हैं वहाँ पर। तो ज़ाहिर है वो उन इलाकों में थे, वही वुहान के इलाके में जो जो भी था वो एक्सपोज हुआ, और फिर जब वो वापस आया और चीनियों ने भी जब वापस ट्रैवलिंग शुरू की, जो चीनी एक्सपैट्रेट्स हैं अमेरिका के या यूरोप के, तो जब वो भी वापस आए और जब खुद अमेरिकन यूरोपियन वापस आए और कैनेडियन वापस आए, तो ये वायरस फैला। ये इसके फैलने की एक बड़ी वजह है। तो डॉक्टर साहब जी तो इस सारी बात में मैं एक दो बातें और शामिल करूँगा, फिर आपकी मैं राय लेता हूँ। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अमेरिका ही सिर्फ अपसेट नहीं है, यूरोप के ममालिक भी अपसेट हैं। वो चाइना से ये कह रहे हैं कि चलिए जी, अगर ये एक एक्सीडेंट था, ये वायरस लैब में भी नहीं बना, मैन मेड भी नहीं है, तो हमें कम से कम इसकी इंफॉर्मेशन तो देना, हमारी एक्सेस तो देना उन लेबॉरटरीज तक की, ताकि हमें पता चले कि इसको डील कैसे करना है। लेकिन चाइना उस पर विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहा है, और अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के इदारे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और UNO टाइप के, उनको वो अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब तो दुनिया पूरी सेल पे है, किसी को आप किसी NGO को आप खरीद सकते हैं, उसके बड़े बड़े लोगों को आप $500,000, $1 million के प्रोजेक्ट दे के ले सकते हैं। अब तो इतनी छोटी कीमत है इस दुनिया में लोगों की।
देखिए ताहिर साहब, आपने ये बात सही कही कि खैर मिलियन छोटी नहीं होती, लेकिन लोग जो हैं वो लालची हैं और सम और दी अदर उनमें जो वो नेशनल स्पिरिट है ना, नेशनलिज्म की, वो कम होती जा रही है। ये जो इस वक्त मैं मेरा जो सवाल है, जो हमारा आज की मेन हेडिंग है, वो ये है कि क्या ये जो इस वक्त वर्बल वॉर बिटवीन चाइना एंड अमेरिका चल रही है, क्या इट कैन लीड टू सम बिग कन्फ्लिक्ट और वॉर? उन कम्युनिस्ट पार्टी रन न्यूज आउटलेट जितनी भी हैं, उन्होंने they have lashed out on Pompeo and including Trump also. अब देखिए, जो चाइना का सबसे बड़ा नेशनलिस्ट चाइनीज न्यूज पेपर है वो है ग्लोबल टाइम्स, और ग्लोबल टाइम्स कहता है कि जो इस वक्त सच ल्यूनेसी इज ए क्लियर बाई प्रोडक्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट of the proverbial anxiety that the US has suffered from since China began its global ascension. आ गया ना वो वर्ड जी, ग्लोबल में जो आप कह रहे थे। और दूसरा वही देखिए, उन्हीं का पेपर कह रहा है, इट इज ऑल्सो ए कम्बिनेशन ऑफ एनवी एंड पैनिक ऑन बिहाफ ऑफ द वॉशिंगटन एलीट्स। मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम क्योंकि तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, इसलिए ये हमसे जल रहे हैं, पंजाबी में जिसको हम कहते हैं। जी जी, फर्द ने साडे को। अगर ऐसी कमेंट्रियों को अगर हम सुने जी, और उधर अमेरिकन लीडर्स की कमेंट्रियों को सुने, और फिर अब जरा चलते हैं जो असली इशू है जी। हाँ जी, अभी आपको पता है कि WHO में जो वर्ल्ड में फैसला हुआ कि ताइवान को एज ऑब्जर्वर बैठाया जाए, राइट, अमेरिका ने उसमें बहुत कहा, पहली बार मैं समझता हूँ कि कनेडियन गवर्नमेंट ने कोई गट्स दिखाए हैं, पहली बार इन्होंने भी उसके हक में वोट डाली, पिछली बार नहीं डाली थी, राइट, इस बार उसके हक में वोट डाली क्योंकि चाइना ने इनके दो आदमियों को गिरफ्तार करके रखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है उसकी वजह से इनका माइंड चेंज नहीं, उसकी वजह से नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब प्रेशर बिल्ट हुआ, चूंकि इनका माइंड क्या चेंज होना था, ट्रूडो गवर्नमेंट ने तो वो मास्क चाइना भेज दिए थे और खुद हम मास्क को अब तरस रहे हैं। ठीक है, चाइनीज मेड मास्क पहनते हैं, अब वो कैनेडियन जो थे मास्क वो उधर भेज दिए अच्छी क्वालिटी के, मिलियंस एंड मिलियंस, और वहां से अब चाइना मेड मास्क आ गए और वो भी मिल नहीं रहे मार्केट से। लेकिन लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये उठता है कि जहां पर ये ताइवान का इशू है जो कि बहुत ही इरिटेटिंग है फॉर चाइना, लेट्स मेक इट वन थिंग वेरी क्लियर, नंबर सेकंड, अब जो अमेरिका ने अपनी शिप्स जो है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी के ऊपर चाइना ये समझता है कि मैं ही अकेला हकदार, राइट, ये तो बात ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, हाँ जी, लेकिन अब जो है अमेरिका ने बड़ा अग्रेसिव स्टेप्स लेने शुरू किए हैं, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो साउथ चाइना में भेजी हैं, और उसके साथ अब वार्निंग भी दिया चाइना को कि अगर आपने कोई भी एक्शन यहाँ पर लिया तो उसके रिजल्ट जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। एक 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 और बहुत बढ़िया, एक हार्वर्ड के ना वेदर हेड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स के जूलियन जर्विट्स हैं जी जी, स्कॉलर है, उन्होंने कहा देयर इज अ मेजर रीअसेसमेंट ऑफ यूएस चाइना इंटरडिपेंडेंस अंडरवे, राइट। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बात ये है कि ये जो 600-800 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है, ना तो जी उसको लूज करना चाहता है और ना सम और दी अदर अमेरिका के जो ट्रेडर्स हैं वो उसको लूज करना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो एस्केलेशन बढ़ रही है उसमें तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहना ट्रेड का, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा था परसों कि मैं सब कुछ बंद कर सकता हूँ विद चाइना, राइट। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पर एक और सवाल है जो आप और मैं उस पर पहले भी शोज में बातचीत कर चुके हैं कि ट्रंप साहब का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है मगर वो किसी एक बात पर खड़े नहीं रहते, सिर्फ ट्रंप साहब ही नहीं पूरा चीन पूरा अमरीका वो किसी एक बात पर अब खड़ा नहीं रहता कि भाई अगर आपने कोई डिसीजंस लेने हैं और अगर आपको पता चल रहा है कि दूसरों का ईवल एजेंडा क्या है तो एक बार कम से कम उस ईवल एजेंडे को तो काउंटर करें ना, क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से सिर्फ दुनिया को ख़तरा नहीं है, खुद चाइनीज़ लोग बेचारे मर रहे हैं,
अब तक मिलियंस एंड मिलियंस लोग चाइना की ये कम्युनिस्ट पार्टी के अथॉरिटेरियन रवैये की वजह से मतलब कत्लो गारत का शिकार हो चुके हैं जस्ट ड्यूरिंग द पास्ट 50-60 ईयर्स। तो अमेरिका कहीं तो खड़ा हो ना। ये तो आपने चाइना की बात की, अब चाइना के बीच में क्या हो रहा जी कि एडिटर ऑफ द ग्लोबल टाइम्स हुजिया कहता है कि वी आर फेसिंग एन इंक्रीजिंगली इरेशनल यूएस व्हिच ओनली बिलीव्स इन स्ट्रेंथ, और उसने कहा कि चाइना मस्ट एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल इन रिस्पांस टू अमेरिकन एक्शंस। सो ये जो कोल्ड वॉर मैंने 50s-60s में 70s में देखी थी, ये कोल्ड वॉर तो मैं समझता हूँ शुरू हो चुकी हुई है, लेकिन क्या चाइना जो है वो जो चाइना में भी है तो आपको पता हॉक्स बैठे हुए हैं, और वो भी जो क्लैशेस ओवर ताइवान एंड साउथ चाइना सी के ऊपर और वहां पर अमेरिकन शिप्स जो पहुंच गई हैं उस पर भी तो जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, जो हार्ड लाइनर्स हैं बिटवीन विद इन चाइना विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी, वो भी तो ये कह रहे हैं कि अब हमें जरूरत है अमेरिका को फेस करने की, उसके लिए हमें अपनी प्रेपरेशन जो है उसको और जोरों से बढ़ा देना चाहिए। तो इसके बारे में जो हमारा आज का टॉपिक है कि क्या वो लीड कर सकता है, अगर इस किस्म की आपस में होड़ शुरू हो गई एंड न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ शुरू हो गई और वेपन्स की जो है होड़ शुरू हो गई, तो फिर तो कहीं ना कहीं ये कंफ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकता है। इसमें डॉक्टर साहब एक बात हमें नहीं भूलनी, वो ये है कि जो भारत का रोल है उस रीजन में वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए बात ये है कि चाइना के जो हार्ड कोर एलिमेंट्स हैं विद इन कम्युनिस्ट पार्टी वो तो ऐसी बातें कर ही रहे हैं और सोच ही रहे हैं और करेंगे ही, लेकिन उनको उनके पार्टी के अंदर लोग ये भी समझाते हैं कि भाई हम जितनी बड़ी छलांग लगाना चाहें उससे पहले ये सोचें कि मिलिटरीली हम अमेरिका और नेटो फोर्सेस के अभी अशर अशीर भी नहीं हैं, मतलब जो जिस तरह की टेक्नोलॉजी अमेरिका और नेटो के पास है मिल मिला के, तो वो उनको इस हार्ड रियलिटी का भी पता है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि अफगानिस्तान में तालिबान उनके पास क्या था, उन्होंने अमेरिका को बेबस नहीं कर दिया, सिर्फ और सिर्फ कोई असले से बात तो नहीं दुनिया की चलती ना, डिटर्मिनेशन भी तो होती है, चाहे वो ईवल डिटर्मिनेशन हो चाहे वो किसी भी तरह की डिटर्मिनेशन हो, तो अमेरिका को उस डिटर्मिनेशन का मुकाबला डिटर्मिनेशन के साथ ही करना होगा। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमारा जोर इसी बात पे है कि हम ये जानना चाह रहे हैं और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ओपिनियन कि क्या कोई पोटेंशियल वॉर का ख़तरा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, और जब यूएस और चाइना का होगा तो ला मुहाला तौर पर जो यूएस के हामी हैं वो नाटो हैं यूरोपियन यूनियन है वो सब के सब यूएस के साथ ही चलेंगे, स्वाय शायद तुर्की भी इस मामले में साथ चले, चूंकि तुर्की की भी चीन से नहीं बनते, क्योंकि आपको पता है कि जो वहां पर 10 मिलियन अपने तुर्की डिसेंट के लोग बैठे हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है। जी अच्छा, आपने ना एक इंटरेस्टिंग इसी पर एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि लोग जो है वो खरीदे जा सकते हैं, बिल्कुल। तो एक मिस्टर वेंग हवाई है, वो रिटायर्ड मेजर जनरल है जो कि प्रो पार्टी फाउंडेशन बीजिंग के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वी हैव टू डिग आउट दोस ट्रेटर्स हु हैव बीन बॉट आउट बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डू इट्स बिडिंग। अच्छा, ये आगे ना बात। हाँ, तो अमेरिका अगर इस तरह के ट्रेटर्स ढूंढना चाहे तो वो तो मेरा ख्याल हजारों मिल जाएंगे जो 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 चाइनीज इंटरेस्ट के लिए, सिर्फ मैं चीनी निजात लोग या चाइनीज ओरिजिन के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, कॉकेशियन थिंक टैंक मतलब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के डिपार्टमेंट्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल के बहुत सारे डेस्क, ठीक है ना जी, मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अलावा वॉल स्ट्रीट जो पूरी की पूरी मंडी है तजारती मंडी उसके मालियाती इदारे, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स, भाई चाइना ने तो कमाल किया हुआ है ना कि इकॉनमी अमेरिका की हिला के रखी हुई है। देखिए डॉक्टर साहब याद करें कितने जज्बे के साथ इवन बुश ने और फिर क्लिंटन ने कितने जज्बे के साथ चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में रखा, और ये सब बार बार कहते रहे कि किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि चाइना का एटपार आना हमारे हक में है।
ये सब इनकी अपनी पॉलिसी। अच्छा, उसमें क्या था कि बहुत सारे बैंकों के जो लोग थे अमेरिका में, बड़े बड़े बैंकों के लोग, वो सब चाइना उनको पैसे लगा रहा है, उनकी बेहतरीन दावतें हो रही हैं, उनकी बेहतरीन सैरो सयात हो रही है, उनको मतलब लाखों मिलियंस डॉलर, मतलब लाखों से लेकर मिलियंस डॉलर दिए जा रहे हैं, तो सारे वो चाइना का राग अलाप रहे हैं। अच्छा, कोई हर्ज नहीं, चलेगी लॉबी कर ली, लेकिन चाइना की जो कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट हुई डॉक्टर साहब, वो मैं आज की बात नहीं कर रहा, वो कोई आज से साल पहले कई सौ कंपनियां फ्लोट हुई और उसमें से 95% बंद हो गई अपनी इररेगुलरिटीज की वजह से, और वो लोगों के पैसे खा गए, और लोगों के पैसे खा गए। एक तरफ उन्होंने यहाँ अमेरिकन बैंकर्स को, अमेरिकन बैंक्स को पैसे लगाए, रिश्वतें लगाई, और उससे को दस, उससे बल्कि 100 गुना ज्यादा वो फ्रॉड करके चले गए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रोफेसर जू है, नैनजिंग यूनिवर्सिटी स्कॉलर है जी, उन्होंने कहा कि चाइना इज आल्सो हाईली पोलराइज्ड, लेकिन आगे जो उन्होंने वर्ड कहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, सम पीपल जस्ट बिलीव दैट देयर इज नो वे बट टू जस्ट फाइट बैक, बट आई डोंट थिंक सो, ही सेड चाइना, ही सेड नीड्स टू बी वेरी कूल हेडेड। अब ये इस पे आप बताइए कि जो वर्ड यूज किया उन्होंने यहाँ पे, चाइना नीड्स टू बी कूल हेडेड, कहीं ये जो प्रोफेसर है जू, इनको कहीं ये तो नहीं अंदर से कोई खबरें आई कि नहीं जी चाइना जो है वो तो फुल एक्सपेंशनिज्म के लिए और साउथ चाइना सी में लड़ाई के लिए भी तैयार है? बिल्कुल ऐसा है, चाइना बिल्कुल ये तैयारी तो रखे हुए है, चाइना का बस नहीं चलता, हाथ नहीं पड़ रहा, चूंकि पहले जो अमेरिकन रजीम रही हैं ओबामा तक इंतहाई नलायक रही हैं, और वो चाइना के जो एम्बिशन है, ये चाइना का जो जो एक ईवल एजेंडा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो समझ ही नहीं सके। अब उनको जब होश आया है, ये देखिए ये बात जब ट्रंप साहब कहते हैं तो ये भी पार्शियली दुरुस्त है, जब वो कहते हैं कि मुझे री इलेक्ट ना होने के लिए चाइना ने ये वायरस के राज छुपाए हैं, ये भी एक फैक्ट है कि ये वाकई ऐसा कि अमेरिका में ऐसा मैस हो जाए, चाइना को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो कोई प्रॉब्लम होता है तो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना लाखों लोग अपने मुल्क में मार देते हैं, अगर कोई 1-2 लाख अमरीकी मर जाएं तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, दुनिया बंद हो जाए उससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ये अलग बात है कि इन द लॉन्ग रन जाके शायद उनको भी फ़र्क पड़े, लेकिन इस वक्त जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी है उसमें तो जंग तो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में होती है ना, तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी में तो अब वो सारे ब्लाइंड हुए हुए हैं, और अब सर पे चीज़ें आन पड़ी हैं, बाज़ूकात ये होता है कि आप इस तरह नहीं चाहते मगर आपका मैस इतना सर पे आन पड़ता है कि वो फिर मैस से मैस होता चला जाता है। तो आपने जिन प्रोफेसर साहब की बात की जिनका ये कहना है कि ये कूल हेडेड होके काम करें, तो वाकई इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि चाइना इसके लिए प्रिपेयर्ड है, मगर अमेरिका किस तरह प्रिपेयर्ड है ये बात इम्पॉर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ, मैं जंग किसी सलूशन का किसी बात का सलूशन नहीं है, ना मैं हक में हूँ ना आप उसके हक में हैं, लेकिन एटलीस्ट अमेरिका इस बात पे तो खड़ा होना कि उसके इदारों के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इन्फिल्ट्रेशन ख़त्म हो, ये इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए ये तो बात यह है कि मिस्टर जी ने 2012 में कहा था कि जो उनकी एक्सपेंशन लड़ाइयां कहाँ होती हैं, लड़ाइयां होती हैं ट्रेड के ऊपर या पर्सनल एम्बिशन के ऊपर या जब एक्सपेंशन शुरू होती है, तो उन्होंने 2012 से ये कहा कि चाइना मिलिट्री होल्ड ऑन द साउथ चाइना सी प्रमोटेड इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स दैट अर्क्ड अमेरिकन कंपनीज। अब ये जो है अमेरिकन कंपनीज की जो वहां पर थोड़ा सा उनमें गुस्सा आया हुआ है, ये ट्रेड वार जो है एक्चुअली 2019 में तो बहुत डोमिनेट हो गई और जो है टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए, और कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस के जो एडवाइजर हैं, हाँ जी, उनको मेरा ख्याल है कि ना तो ह्यूमन राइट्स की समझ आई ना ही उनको चाइना की बेसिकली फिलोसफी की समझ आई। मैं तो अब भी ये समझता हूँ कि ट्रंप साहब और उनके जो एडवाइजर हैं उनको अभी भी समझ नहीं आई, वो बातें जरूर कर रहे हैं लेकिन साथ में ये लफ्ज कहने की क्या जरूरत है कि आई हैव वेरी गुड रिलेशंस विद मिस्टर सी। ये उन्होंने खैर पिछले दो तीन हफ्ते पहले बात की थी, अब वो 2-3 हफ्तों से ये अपनी फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे, ये थर्सडे को कहा उन्होंने
कि आई हैव वेरी गुड रिलेशन विद मिस्टर डी बट आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम ऑन द फोन. ये थर्सडे की बात. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. मैंने खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी. जी तो वो तो मैंने आपको डॉक्टर साहब पीछे ही कहा है कि अनफॉर्चुनेटली ट्रंप साहब जहाँ थॉट्स में क्लियर हैं वहाँ कंफ्यूज भी बहुत हैं. उनको ये नहीं पता चलता कि किस बात पे खड़े होना है और यही अमेरिका के लिए उनका इंटरनल चैलेंज है. चूंकि जी क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो इस वक्त लड़ाई चल रही है वो लड़ाई जो है वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो सकती है या नहीं. यहाँ पर रोल जो है साउथ चाइना सी की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर रोल कोरिया का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इंडिया का, ये सारे रोल भी तो जो है काउंट होते हैं. और वियतनाम, हालांकि वियतनाम इज ऑल्सो वेरी पावरफुल नाउ राइट. तो वियतनाम भी जो है वो चाइना का दिल से चाइना को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है. डॉक्टर साहब जहाँ तक ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की बात है वो अपनी जगह पे ख़तरनाक है लेकिन दुनिया अब ये सीख गई है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट ख़तरनाक हैं वो दो हैं. एक है नैरेटिव का कॉन्फ्लिक्ट कि प्रोपेगेंडा इतना शदीद हो जाए, चूँकि आज की दुनिया में सोशल मीडिया फैला हुआ है उसमें मैं प्रोपेगेंडा से ये कह रहा हूँ कि नैरेटिव उनका अपना नैरेटिव आता चला जाए, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, अमेरिकन्स का अपना आता चला जाए और बीच में जो पिसे हुए लोग हैं उसमें वो अपनी बातें करते रहें, तो उसमें जो नैरेटिव हावी होगा उसकी जीत होगी. एक तो ये है तरीका. दूसरा जो तरीका है वो है इकोनॉमिक्स का, बहुत बड़ा, कि अगर आप इकोनॉमिकली किसी नेशन को क्रश कर दें और उसको कामयाब हो जाए तो मेरा ख्याल है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा ख़तरनाक है. लेकिन इन दोनों तरीकों पर चलते चलते कोई पता नहीं चलता कि किस वक्त असला और बंदूकें चलना शुरू हो जाए, चूँकि ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं. तो बिल्कुल इस बात का इम्कान भी है कि ये जो पोटेंशियल वार जिसकी हम बात कर रहे हैं US और चाइना के बीच, ये ऑलरेडी हो तो रही है नैरेटिव के लेवल पे और ट्रेड के लेवल पे, लेकिन ये किसी वक्त भी एक्सीडेंटली ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकती है, इसका भी इम्कान है. नहीं पर एट द सेम टाइम हमें ये देखना है कि इस वक्त मिस्टर जी का क्या रोल है और मिस्टर ट्रंप का क्या रोल है. जो बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज हैं जिसको हम यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं वो तो अपने आप में इस वक्त बहुत बिजी हैं. उन्होंने ये तो जरूर कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे, लेकिन इंक्वायरी का किसी के पास टाइम ही नहीं है. उनके लोग इतने जो है मर रहे हैं तो वो अपनी इकोनॉमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं. अब इसमें से ये जो पेंडेमिक आया जी चाइना से आया, इसने वर्ल्ड की इकोनॉमी का तो एक बार भट्टा बढ़ा दिया ना. अब जो वर्ल्ड की इकोनॉमी को भट्टा बढ़ा दिया उसके बाद हमें यह सोचना है कि इकॉनमी जो है वो कितने सालों में उठेगी. ये बात जो है मुझे आज तक ट्रंप साहब की नहीं समझ आई कि नहीं जी हम तो एकदम जो है इकॉनमी को दोबारा वहीं ले आएंगे. एकदम तो इकॉनमी आनी ही नहीं जी. मैं आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लीजिए, इकॉनमी बिजनेस के साथ चलती है. जो ट्रेवल बिजनेस है जिसमें बिलियन ऑफ डॉलर की इनकम होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो तकरीबन अगले 3-4 साल तो उस लेवल पर नहीं पहुंचना. ट्रेवल जो है जी, एयरलाइंस जो है जी, उनका भी बिजनेस जो है कम से कम उनको भी अपने रूट के ऊपर आने में लग जाएगा 1-2 साल. जो होटल इंडस्ट्री है, जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, मैं देख रहा था रिपोर्ट है जहां जहां अमेरिका में रेस्टोरेंट खुले हैं या यूरोप में, लोग डर रहे हैं वहां जाने के लिए. हालांकि वो ओपनली वेलकम कर रहे हैं और बड़े स्टेप्स ले रहे हैं. यूरोप में आज देख रहा था जी यूरोप में कि किस तरीके से हो रहा है. लेकिन सम और दी अदर, ये इकॉनमी जब पिकअप नहीं होगी तो फिर तो कहीं ना कहीं गुस्से में कोई ना कोई स्टेप तो उठ ही जाता ना. इकॉनमी ही जब बर्बाद हो जाएगी तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे. लोग तो आना शुरू हो चुके हैं और ये सिलसिला आगे मुझे बढ़ता नजर आएगा जब जैसे ही हर चीज खुली हो जाएगी, ओपन हो जाएगी. और आपकी बात डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जब जिस तरह का लाइफस्टाइल लोगों का सिर्फ वेस्ट में नहीं चीन में हो चुका है, चीन भी तो बहुत बेहतर हो चुका है ना अगर हम उससे 50-60 साल पहले से कंपेयर करें. तो अब पहले हमें ये ख्याल था कि शायद चीन ये चीज़ें वीज़ें बनाता रहेगा, कॉटेज इंडस्ट्री चलाता रहेगा तो चलता रहेगा, लेकिन अब लगता है कि चीन की कॉटेज इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी और दुनिया उस तरह चीन से ख़रीदो फरोख्त नहीं करेगी.
वो शायद भारत की तरफ आएंगे या बांग्लादेश की तरफ ऑलरेडी जा रही हैं और इंडोनेशिया मलाइशिया इस तरफ जाएंगे। चीन के साथ ट्रेड बहुत दुनिया का कम हो जाएगा अगर खत्म नहीं होगा तो उस आप नहीं मानते कि चीन का जो ट्रेड है उसमें जो कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है क्योंकि वहां का जो चीजें दिखाते हैं पहले ये था कि जो उन्होंने चीज दिखाई वही आती थी बिल्कुल अब जो वो चीजों में मतलब दिखाना कुछ और हाँ। बेचना कुछ और भेजना कुछ और हाँ। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि मार जो है चाइना को आने वाले टाइम पे पड़ेगी डेफिनेटली जो हाँ जी बिल्कुल डॉक्टर साहब डेफिनेटली पड़ेगी चूंकि चीन के बारे में पब्लिक का पहले ही ये परसेप्शन था कि चीन से जब भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर किया करते थे तो उसमें 25% मैं रफली कह रहा हूँ ऐसा होता था कि लोगों को वो चीज़ नहीं मिलती थी जो उनको इंटरनेट पे दिखाई जाती थी या बताई जाती थी। और अब तो इस COVID-19 के ज़माने में जब जब हुकूमतों को वो चीज़ें नाकस मिली मतलब जब हुकूमतों को PPE के और मास्क और इस तरह की चीज़ें गलत मिली इवन जो टेस्ट किट्स थी भारत ने वापस की मिलियंस उन्होंने कहा ठीक उन्होंने कहा ये वो नहीं है चीन उस पर बड़ा अपसेट हुआ उन्होंने कहा भाई आप बात यह है कि हमें जिस टेस्ट किट में वैलिड टेस्ट ही ना होता हो हमें वो टेस्ट किट क्यों चाहिए। ये कन्फ्यूजन जो लूज किया है ना पेंडेमिक मैं समझता हूँ कि जो मिस्टर जी जिन्होंने 2018 में एबॉलिश कर दी थी टर्म लिमिट अब 2022 में उनका इलेक्शन है हेयर अपेरेंट कोई है नहीं लेकिन जो इनको धक्का पहुंचेगा जो कॉन्फिडेंस दुनिया में था है जी वो कॉन्फिडेंस अब चाइना के साथ ट्रेड करने में मेरा ख्याल है लोगों का 50% से ज्यादा माइंड जो है वो बदल चुका है। और उसका जो मैं ये मेरा सवाल आपको ये है कि क्या मिस्टर जी के अगेंस्ट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है जी जब ये कम्युनिस्ट पार्टी की एक बात है कि जो लीडर स्ट्रांग हो जाता है जी उसके साथ तो पार्टी चलती है जब वो ये देखते हैं कि हमें तो इसके लीडर रहने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है तो फिर कहीं ना कहीं जाके अंदरों अंदर रिवोल्ट भी शुरू होता है। तो आप ये बताए कि ये जो मिस्टर जी है इनका जो फ्यूचर है अगर पेंडेमिक से इनका ट्रेड बहुत कम हो गया और जो 12-13 trillion की इकोनॉमी है जी उसमें 2-3 trillion का फर्क पड़ना शुरू हो गया हर ईयर तो फिर इसका क्या हाल होगा मिस्टर जी का। देखिए मिस्टर जी चाइना ड्रीम के फाउंडर में से हैं जिनका ये ख्याल था कि इकोनॉमिकली चीन को दुनिया पर डोमिनेट कर दिया जाए फॉर द टाइम बीइंग जो लेगेसी लेकर आए थे मिस्टर जी वो हो भी गए ये दुनिया पे छा भी गए मगर बहुत लंबे अरसे तक नहीं चाहे ये COVID-19 से पहले ही ये इनकी जो थी ओवरवेलमिंग हैसियत ट्रेड में दुनिया में वो कम होना शुरू हो गई थी अमेरिका ने वो ट्रेड इश्यूज उठाना शुरू कर दिए टैरिफ की बात शुरू कर दी तो वो सारा। अच्छा आपने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी में बात की हम मिस्टर जी को एक स्ट्रांग लीडर के तौर पर देखते हैं और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का स्ट्रक्चर है जो उनका पोलिट ब्यूरो है जो उनकी सेंट्रल कमेटी है गालबन इनके पोलिट ब्यूरो जो टॉप की ब्रास है वो शायद कुछ 70 के करीब होते हैं इनके फिर उसके बाद सेंट्रल कमेटी और बहुत सारी कमेटियाँ हैं उसमें ये ऐसा नहीं है कि ये कोई अपनी चाहत से जाने जाते हैं ये हुक एंड क्रुक पावर से ही अपने आप को मनवाते हैं और जो फिर कोई जितना स्ट्रांग होता है जो कोई उसके सामने आता है स्ट्रांग लीडर को उसको फिर दुनिया से गायब कर दिया जाता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग है फिर आगे आप जी जी रखना एक यनसन डायरेक्टर ऑफ द चाइना प्रोग्राम एट द स्टिम्सन सेंटर है जी उस लेडी ने कहा है द चाइनीज फिलॉसफी इज दैट व्हेन ए लीडर इज स्ट्रांग He can afford to be flexible and moderate, but when a leader is weakened, right. that is the time that you need to worry. देखिए ना सर जो भी दुनिया में डॉक्टर साहब होता है वो हम सब हैं तो ह्यूमन ना। अच्छा अब आप कितने एक ज़्यादा कोई भी लीडर जो है मिस्टर जी हो या किसी को भी हम देखें वो कितना शार्प कनिंग श्रूड है कि अपने इर्द गिर्द की जो टॉप ब्रास को है वो अपने साथ रखे और जो साथ नहीं रह सकते उनको गायब कर दें या तो वो वैसी दुनिया से गायब हो जाए या उनको पॉलिटिकल सीन से पीछे धकेल के उन्हें कहे कि बिल्कुल बैक बेंचर हो जाओ जाओ के दफा हो जाओ मुझे नज़र ना हो या तो ये एटीट्यूड है। आप याद करें कि मिस्टर जी से भी ज़्यादा स्ट्रांग लीडर माओ ज़ेडुंग हुआ करते थे
माओजे तुंग ने जब ये कल्चरल रेवोल्यूशन जो 1966 से 1976 तक चला, जिसमें लाखों लोग मारे गए, उस 10 मिलियन से 20 मिलियन की फिगर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें फिर उसके बाद एक और ग्रुप बना, गैंग ऑफ फोर, आपको याद होगा। राइट, ठीक है ना जी, जिसमें माओजे तुंग की वाइफ थी, जिसमें उनकी वाइफ थी। अब वो गैंग ऑफ फोर भी चलाता रहा, फिर वो भी जाहिर है उस गैंग ऑफ फोर, पहले माओजे तुंग को, फिर गैंग ऑफ फोर को पार्टी की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन फिर उसके बाद पार्टी के अंदर जो लोग उठते हैं वो फिर उन पॉलिसियों से तंग आते हैं, वो फिर अपना एक नया ग्रुप बनाते हैं, फिर गैंग ऑफ फोर गायब हुआ। फिर मुझे नाम बोल रहा है सदर जी से पहले, फिर उन्होंने चेंज किया कि एक लीडर सिर्फ 10 साल रहेगा। राइट राइट। अच्छा, वो दो बार यही हुआ कि 10 साल एक लीडर रहा, 10 साल दूसरा लीडर रहा, लेकिन इन्होंने 2018 में उसको चेंज कर दिया कि नहीं, आई कैन बी इलेक्टेड इवन एज मेनी टाइम्स एज आई विश, जैसे कि पुतिन ने किया, लाइफ लॉन्ग कर दिया ना इन्होंने अपने। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है खत्म करने से पहले जी, चाइनाज अग्रेसिव डिप्लोमेसी वीकन्स जी जिनपिंग्स ग्लोबल स्टैंड, इसके ऊपर आप क्या कमेंट? देखिए बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये अब उनकी ग्लोबल जो पॉलिसी है वो कमज़ोर हो रही है, चूँकि हर चीज़ का एक अंत होता है। आप कब तक कोई नेशन हो, कोई कॉरपोरेशन हो, कोई इंसान हो, कब तक गलत आइडियोलॉजी से कितना दूर तक जा सकता है? जब तक इदारे रेनोवेट ना हो, देखिए डेमोक्रेसी में कोई बहुत हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेसी में एक अच्छी बात है कि चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं, एंड ऑफ द स्टोरी नहीं होती। अब जितनी अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज़ हैं, चाहे वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की हों, चाहे ये सो कॉल्ड आइडियोलॉजिकल बेस की हों, ये सारी की सारी एंड ऑफ द गेम हो जाती हैं, क्योंकि इनमें लचक नहीं होती, और इसी वजह से इनकी जो ग्लोबल पॉलिसी है अब सिर्फ ये नहीं कि फेल हो रही है बल्कि एक्सपोज हो चुकी है। और मेरा ये ख्याल है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले भी 3-4 बार, हम अगर 50-60 साल में देखें, तो अपने आप को तेज़ी से तब्दील किया। इस COVID-19 के बाद डॉक्टर साहब दुनिया को इस बात से होशियार रहना चाहिए, ये एक अहम नुक्ता है जो मैं दे रहा हूँ, कि ये अपने आप को एक नए बहरूप के साथ, एक नए ढंग के साथ सामने लेकर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि जो उसमें एलिमेंट जो है वो हॉक्स एलिमेंट आगे आता है या एक मॉडरेट एलिमेंट आगे आता है जो कि वर्ल्ड में किसी किस्म की गड़बड़ ना पैदा करे। अब ये तो बड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है जी, वो तो बिल्कुल एक डार्क चैप्टर है, उसका तो पता ही नहीं उसके ऊपर क्या लिखा हुआ। तो इसको फ्यूचर में हम कैसे देखेंगे कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वेदर इट विल बी डोमिनेटेड बाय द हॉक्स और इट विल बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स। डॉक्टर साहब जी जी, सॉरी आप बाद मुकम्मल करें। नहीं मैम, जैसे कि मैं डेंग के टाइम की बात कर रहा हूँ, right. कैसे उसने टेक ओवर किया था उसकी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, इस वक्त भी इनके दोनों एस्पेक्ट्स चल रहे हैं, हॉक भी चल रहा है अपने रीजन में, ये हॉक की तरह बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ ये दुनिया को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन UNO और सबको ये तासर दे रहे हैं कि हम तो बड़े सॉफ्ट हैं, हम तो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हम तो इंसानियत की बात करते हैं, ये अमेरिका है, ये वेस्ट है जो ईवल एजेंडा रखते हैं। अच्छा, ये इनका है। मैं ये समझता हूँ कि आगे भी आने वाले दिनों में एस्पेक्ट यही दोनों रहने हैं, कि कहीं ये हॉक होंगे, कहीं ये दुनिया को डॉज करने के लिए एक मॉडरेट सॉफ्ट पॉलिसी देंगे। लेकिन चेंज कहाँ आएगी? चेंज में कुछ फेसेस बदल जाएंगे, कुछ नैरेटिव बदल जाएंगे, ठीक है। वो फेसेस और नैरेटिव जो होते हैं ना, वो मेकअप होता है, वो हो जाएगा, लेकिन रहेंगे ये हॉक और उसके साथ साथ ये ड्रामेबाजी भी रहेंगी। मैं अभी चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, जो पाकिस्तान में डिप्टी हाई कमिश्नर भी रहे, मैं उनका ट्विटर अकाउंट कल रात को देख रहा था, वो यही उनके ट्वीट्स हैं, दुनिया एक वन कम्युनिटी है, ह्यूमैनिटी एक है, सबको एक दूसरे के साथ चलना चाहिए। अच्छा भाई, सबको एक दूसरे के साथ चलना चाहिए तो तुम लोग अपने अंदर किसी राइटर को तो बर्दाश्त नहीं करते जो ज़रा सी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करे? वहाँ पर वो वन कम्युनिटी, वन ह्यूमैनिटी कहाँ गई?
तो ये दिखावे के लिए वो वही होगा कि जी ये हम बड़े प्यारे हैं, हम डाइवर्सिटी पे बिलीव करते हैं, डाइवर्सिटी पे इतना बिलीव करते हैं कि वो सिनकियानिक में मुसलमानों को उसके अंदर डाला हुआ है कंसंट्रेशन कैंप में। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, क्रिश्चियंस वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको भी छोड़िए, जो वहाँ की एथनिक कम्यूनिटीज़ हैं तिब्बतन से लेकर जो बहुत सारी फैली हुई, जो ज़रा भी इनके खिलाफ बोल के तो दिखाए। अच्छा, वहाँ पर ये वन ह्यूमैनिटी वन कम्यूनिटी नहीं है, जहाँ इनके ऊपर आन के पड़ती है, जहाँ इनका ट्रेड मुतासर होता है, जहाँ अमेरिका या यूरोप कहता है कि भाई इनाफ इज इनाफ, नो नो नो, वी आर वन कम्युनिटी, यू आर रेसिस्ट, यू आर अटैकिंग ऑन अस, ये फिर ना उस तरह का मांत्रा शुरू कर देते हैं। ये मांत्रा तो डॉक्टर साहब रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि दुनिया इस तरह के मांत्रे के जिसे कहते हैं ना जलावे में आ जाती है, कहीं ना कहीं दुनिया भी खड़ी हो, कहे कि इनाफ इज इनाफ, बिहेव, और अपने लोगों को सबसे पहले ह्यूमन राइट्स दो, फिर वन कम्युनिटी वन ह्यूमैनिटी की बात करना। तार साहब, एक रबर का ना टॉट पॉइंट होता है, जहाँ खींचो तो वो टूट जाता है। जी, अगर अगर कल को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का ये साबित हो जाए कि यस इट इज अ मैन मेड, आपको क्या लगता है कि वर्ल्ड इकट्ठा होकर चाइना के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकता है? देखिए, वर्ल्ड आई डाउट कि उस तरह की आम लड़ाई क्यों लड़ेगा, और शायद वो लड़नी भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं, जब जब ये एक एविडेंस हो गया कि वर्ल्ड को बर्बाद करने में चाइना ही रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उसको छोड़ा क्यों जाए? नहीं नहीं, मतलब देखिए, उसमें चाइनीज आवाम को या बम्बार्डमेंट की तो जरूरत नहीं। ये देखिए, चाइना कन्फाइन, कम्युनिस्ट पार्टी चाइना बहुत बुरी तरह ख़त्म हो सकती है अगर ये आज की दुनिया में ट्रेड की सेंक्शन लगा दे। आप देख लें, ईरान के पास कितना तेल है, बेतहाशा तेल है, छोटा सा मुल्क है कंपेयर टू, अगर अमेरिकन्स ने उन पर ये सेंक्शन ना लगाई हो तो ईरान काफ़ी रिच कंट्री हो, मगर ईरान में इस वक्त रोटी खाने का मसला बना हुआ है, इसलिए कि वो कोई वहाँ पे बम नहीं फेंके अमेरिका ने, क्योंकि ईरान का रवैया ऐसा है कि वो अपने लोगों को भी जलील कर रहा है और दुनिया में भी वो अपनी इंतहा पसंदी फैला रहा है। यही चाइना, चाइना मतलब कोई ऐसी सुपर चीज़ नहीं है जिसकी इकॉनमी ही फेक बुनियादों पर खड़ी है। अगर चाइना साबित हो जाता है, और साबित ना भी हो इस लेवल पे, चाइना ने जो अब तक किया हुआ है ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में और वर्ल्ड की स्टॉक एक्सचेंज में जो मैनिपुलेशन किया हुआ है, उससे तो चाइना को उन जगहों पे ट्रेड करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं, अगर वर्ल्ड वैसे ही इन चीज़ों को रियलिस्टिकली देखे तो इसमें चाइनीज़ अवाम का भला है। चाइनीज़ अवाम जो है ना डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर यह ज़रूर कहूँगा, बहुत अच्छे लोग हैं। आप देखिए, चाइनीज़ नस्ल कौन लोग हैं, पूरे का पूरा हांगकॉन्ग, ताइवान, इवन कोरियन पेनिनसुला, इवन ये जो सीनो नेशंस हैं सारी की सारी, बड़े डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप चीन में आज ये कम्युनिस्ट पार्टी का जबर ख़त्म कर दें, चीन में बहुत अच्छी डेमोक्रेसी आएगी, क्योंकि लोगों में, आम जनता में, आम चीनियों में बड़ा शऊर है। तो उन बेचारे चीनियों को तो मारने की कोई बात करना ही एक वार क्राइम वाली बात है। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का नाटक बंद कर दिया जाए तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। चलिए, यही उम्मीद करते हैं और यही आस करते हैं कि ये कहीं वार में कन्फ्लिक्ट ना बन जाए। हाँ जी, वैसे छोटे मोटे तो जो है वो चलते ही रहते हैं, लेकिन सम और द अदर वर्ल्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव अ थर्ड वर्ल्ड वार, बिकॉज दैट विल क्रिएट ए ह्यूमन लॉस जिसकी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता, और ना ही मैंने जैसा कहा अभी आखिर में कि सिर्फ और सिर्फ पाबंदियाँ लगा के, एक असूलों पे खड़े होके ये कम्युनिस्ट पार्टी को काफ़ी क्रश किया जा सकता है। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो एशियन कंट्रीज हैं और जो यहाँ मतलब साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं इनका दिल जो है वो चाइना के साथ लगा हुआ, अफ्रीका तो सारा ही लगा हुआ, किसी दिन डिस्कस करूंगा, मैं कल देख रहा था काफी का दिल वैसे टूट भी चुका है डॉक्टर साहब, इस पे भी हम आगे बात करेंगे। वो उन्होंने चाइना के साथ प्यार की पींगे बढ़ा के देख लिया, दिल ठीक हो जाता। हाँ, प्यार की पींगे वो बढ़ा के देख लिया, रोमांस करके देख लिया, जो मिला उनको अब तक वो अब तक उनको पता चल चुका है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। व्यूर्स, आपने ब्रेन बर्स्ट में डॉक्टर रणवीर शारदा और मेरा तजिया बिला तकल्लुफ बेलाग सुना, और हम इसी तरह का तजिया ब्रेन बर्स्ट में अगले हफ्ते लेकर आएंगे।
सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।